का नुक्ता। नून बहुत परेशान था, ना जाने उसका नुक्ता कहाँ खो गया था। नून बहुत परेशान था, ना जाने उसका नुक्ता कहाँ खो गया था। वो अलिफ वर्जिश कर रहा था। नून ने उससे पूछा, क्या तुमने मेरा नुक्ता देखा है? अलिफ ने अकड़ कर जवाब दिया, जी नहीं। नून बे के पास गया, बे बिस्तर पे मजे से सो रहा था। नून ने उसे जगाया, बे उठो बे, क्या तुमने मेरे नून का नुक्ता देखा है? क्या तुमने मेरा नुक्ता देखा है? ना बाबा। और बे फिर करवट बदल कर सो गया। बाग में दो बहनें पे और ते खेल रही थी। इतने सारे नुक्ते देखकर नून की दो पाछे खिल गई। नून हंसने लगा, अरे माँ इतने सारे नुक्ते। वो लालच से नुक्तों को देख रहा था। ते ने झट अपने नुक्ते अपनी गोद में ले लिए और पे अपने नुक्तों पे आके फौरन बैठ गई। करीब ही ते और से टहल रहे थे। नून ने, ये नुक्ता नहीं है, ये तो छोटी तोए है, और आगे बढ़ गया। नून से के पास पहुंचा। ये क्या है बच्चों? से के पास कितने नुक्ते हैं? तीन नुक्ते। नून से के पास आया और कहने लगा, एक नुक्ता मुझे भी दे दो। से ने कहा, हरगिज नहीं, अगर मैं तुम्हें एक नुक्ता दे दूंगी तो मैं क्या बन जाऊंगी? ते। तुम चाहते हो मैं ते बन जाऊं? ते ते से के अलावा से के बाद ते फिर दोबारा पढ़ेंगे। नहीं भाई नहीं, मैं तुम्हें अपना नुक्ता नहीं दूंगी। ओहो, नून कहने लगा, अब क्या करूं, अब क्या करूं। नून ने सोचा, मैं अब क्या करूं, कहां जाऊं, कौन मुझे अपना नुक्ता देगा।